10 से लेकर 20 तक इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसीलिए फ्रैक्शन के लिए हम क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। और क्वेश्चन रूल कहते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप डिनोमिनेटर पर जेटिज लिख दें और जो न्यूमिरेटर है उसका डेरिवेटिव लें, फिर माइनस, और फिर न्यूमिरेटर एज इट इज लिखें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें और इसको डिवाइड करें बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सारे डेरिवेटिव निकालने हैं 10 से लेकर 20 तक। फंक्शन गिवन है 3x + 4 / x² + 1, तो न्यूमिरेटर x² + डिनोमिनेटर x² + 1 है, उसको एज इट इज लिख दिया, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव लिया, अब न्यूमिरेटर एज इट इज लिख दिया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया। अब ये एज इट इज आएगा, 3x का डेरिवेटिव क्या है 3 और 4 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ गया। x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x², 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x², और इसके साथ माइनस 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 प्लस माइनस 8x। इसको हम फिर देखें, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया और ये एज इट इज आ गया, बाकी हमने वो चीज़ें लिख दी। क्वेश्चन 12 में x - 2 / x² (x⁴ + x + 1) डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ गया। x⁴ का डेरिवेटिव 4x³, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड कर दें, 1 × anything बिकम्स द सेम थिंग, और ये माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x⁴, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा, ये माइनस तो माइनस, अब ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस हो जाएगा, अगर ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो माइनस एक्स हमने सारों के साथ मल्टीप्लाई किया, +2 को इसके साथ करेंगे तो 8x³ और इसके साथ करेंगे तो +2। अब क्यूब एक ही है, वो हमने लिख दिया 4 ये, और ये बिकम्स प्लस, एक्स जो है वो माइनस प्लस कैंसिल और 1 और 2 बिकम्स। क्वेश्चन 13 में x² / 3x - 4, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा। x² का डेरिवेटिव 2x, ये एज इट इज आ गया, और इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंड कर दें, 6x² - 8x और यहाँ से माइनस 3x², स्क्वायर स्क्वायर बिकम्स 3x² और ये एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या है 4x, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। 3x का डेरिवेटिव 3 और इसका डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंड करें, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x² इसके साथ होगा तो -16x, 3 इसके साथ होगा, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब 3 × -2 = -6x², 3 × 2 = -15, ये दोनों से क्या आएगा 6x², ये एज इट इज आ गया और ये भी एज इट इज आ गया। 15 में अब ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको एक ये एक्सपेंड कर दें, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x⁻¹। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये चीज़ आ गई x⁻¹ और x⁻¹।
पावर्स को ऐड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, तो वो ये 3/2 है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये, और 1 1 के साथ होगा तो ये। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब क्वेश्चन रूल के लिए रेडी है। तब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये तो एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव पावर रूल के मुताबिक पावर फ्रंट पे एज ए कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, 3x टू द पावर 3 माइनस 2/2 इज एक्स पावर 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 3x पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, इसका डेरिवेटिव अगेन माइनस 2, पावर फ्रंट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में से हम एक माइनस करेंगे, तो दिस बिकम्स -x पावर -1/2 जो कि हमने निकाल लिया। अब ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 1, का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, इसकी पावर 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे 3/2, इसके साथ होगा तो प्लस 3 × 3 इज 9 एक्स टू द पावर 1/2, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये पावर 1 है, ये माइनस हाफ है, तो 1 में से हाफ निकाल देंगे तो क्या बचेगा पॉजिटिव हाफ। अब 3 इसके साथ करेंगे तो 9x टू द पावर 1/2 इसके साथ तो 3 और इसके साथ करेंगे तो -3x टू द पावर -1/2, और ये माइनस क्योंकि 1 है तो यही चीज़ दोबारा आएगी, माइनस टाइम दिस 3/2 -x + 2x टू द पावर 1/2 और +1। अब x टू द पावर 3 हमारे पास ये है, 3/2 ये है, तो यहाँ से ये चीज़ आ जाती है x टू द पावर 1/2, ये माइनस ये 9 9 और 2 11 11 में से 1 निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा, कांस्टेंट ये 3 है और ये 1 4 4 आ गया, -पावर -1 एक ये है, तो एज इट इज यही आ जाएगा, बाकी हमने कैलकुलेट कर लिए x, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। क्वेश्चन 16 में अब एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो अगर आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाने क्वेश्चन रूल के लिए रेडी करने, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2x टू द पावर 1/2, इसको इसके साथ करेंगे तो -2x टू द पावर 3/2, क्योंकि पावर्स 1/2 और 1 ऐड हो जाते हैं, इसी तरह 1 को इसके साथ करेंगे तो +2 आ जाएगा और 1 को इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, तो मैंने इसको ऊपर वाले को एक्सपेंड कर दिया, इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूमरेटर आ गया। अब ये आप क्वेश्चन रूल के साथ कर सकते हो, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो अब आप डिनोमिनेटर का एज इट इज लिख दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, 3x² + 3x एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2 3/2 फ्रंट पे आ जाएगा और पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 1 4 पावर फ्रंट पे, पावर में से एक माइनस और 0, ठीक है, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -2x² + 3/2 एज इट इज, -x 4x² + 1/2 + 2, ये सारी चीजें एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x + 3, इसके नीचे हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखा हुआ, इधर से ये, यहाँ से ये चीजें एक्सपेंड होकर यहाँ जाती है,
सिंप्लीफाई होके। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करें, एक्सपेंड करें, देन यू वुड गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ, इसी तरह इसको इसके साथ भी और इसी तरह थ्री को भी, इन सब के साथ। फिर जो सेम सेम टर्म्स है उसको कंबाइन कर दें, जो कैंसिलेशन हो रही है वो सारा कुछ कर दें, तो यू एट द एंड यू विल गेट दिस वन। अब इसको दूसरा कैसे कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट रूल लगा दें, टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, इसका डायरेक्ट फर्स्ट एज इट इज लिख देते हैं, टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, फिर प्लस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का एज इट इज लिख देते हैं, और टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, अब टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव। अब आपने इसको सेपरेटली क्वेश्चन रूल अप्लाई इसके ऊपर करना है। ठीक है, इसी तरह प्लस ये एज इट इज आ जाएगा और यहां से आ जाएगा टू टू स्क्वायर रूट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका जीरो आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपने इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाना है, जो चीज आएंगी फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है, एट द एंड उसका भी यही आंसर आएगा।